नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कर्नाटक में कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की। जिस तरीके के रुझान आए थे, उम्मीद तो शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी प्रचंड जीत होगी इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। और दूसरी बात, बीजेपी को जिस तरह का आंकड़ा मिला उसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की होगी। सोचिए, 135-136 सीटें ले आई है कांग्रेस और 65 पर अटक कर रह गई बीजेपी, जबकि जेडीएस भी काफी कम सीटें लेकर आई है जितनी की उम्मीद थी। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को गहरा झटका लगा है, लेकिन अपनी हार को स्वीकारते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बधाई दी और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के अंदाज की कि अगर आप जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, अगर आप हारते हैं तो आप मंथन करते हैं। कांग्रेस वाली गलतियां बीजेपी नहीं दोहराती। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने दरियादिली दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को बधाई दी, वहीं पर कांग्रेसी नेताओं ने ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद अब उनकी मट्टी पलीत हो रही है। अब देखिए, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद। आपने अक्सर उनको मोदी की तारीफ करते हुए सुना होगा, सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि कई न्यूज चैनल्स पर डिबेट के दौरान जब उनको बैठाया जाता है, किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो मुद्दे पर तो वो बात रखते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की, उनके काम काज पर सवाल उठाने की, तो आचार्य प्रमोद काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। अक्सर उनको प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए सुना गया है, देखा गया है, लेकिन अब जब कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है तो ऐसे में पलटी कैसे मारी आचार्य प्रमोद ने, देखिए। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया उसको ना तो रीट्वीट किया ना रीशेयर किया, लेकिन हाँ, अपने ट्विटर पर जाकर आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट किया जिसको नरेंद्र मोदी के ट्वीट से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने लिखा, 2024 में भी इसी तरह दिल खोल के बधाई दीजिएगा। और आगे आचार्य प्रमोद ने नरेंद्र मोदी को टैग किया है। निश्चित तौर पर तंज कस रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कर्नाटक हमने जीता है और हम आपसे आगे हैं। वो शायद ये भूल गए कि कई राज्यों में अभी भी बीजेपी की सरकार है और इसके अलावा कांग्रेस भले ही कर्नाटक में मेहनत करती हुई नजर आई हो, लेकिन अभी बहुत सारे चुनाव बाकी हैं। राजस्थान में तो खुद कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है, क्योंकि अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट देखा जा रहा है। तो ऐसे में एक जीत का जश्न इस तरीके से नहीं मनाना चाहिए कि आने वाले वक्त में हार हो जाए, मतलब वही कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना जो कि कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। वो आचार्य प्रमोद जो हमेशा तारीफ करते हैं मोदी की, वो अब तंज कसते हुए नजर आ रही हैं कि 2024 के लिए भी तैयार रहिएगा और ऐसे ही दिल खोलकर बधाई दीजिएगा। अब देखिए, आचार्य प्रमोद वही हैं जिनको लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि जिस तरह के ट्वीट्स करते हैं, बातें उठाते हैं, अपनी सरकार के कई नेताओं को घेरते हैं, तो ऐसे में क्या ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं। वो सारी खबरें अब एक तरफ हो गई हैं क्योंकि आचार्य प्रमोद ने अब नरेंद्र मोदी पर ही तंज कसना शुरू कर दिया है, वो भी तब जब कर्नाटक के चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। बहरहाल, जो पलटी मारी है आचार्य प्रमोद ने, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।